अगर आप भी उन लोगों में से जो कहते हैं जी हमें समझ नहीं आ रही कि हम कौन सा काम करें, कौन सा कारोबार करें, तो आज की वीडियो यकीन कीजिएगा कि स्पेशली आपके लिए है। इसमें हम आपको बताएंगे कि जनाब किस तरह से आप अपना काम करके, अपना जनाब छोटा सा सेटअप लगा के, छोटा सा कारोबार शुरू करके उसको बहुत अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं और ठीक ठाक पैसा कमा सकते हैं। वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहिएगा, पूरी डिटेल आपको बताते हैं। चलते हैं जनाब आज की वीडियो शुरू करते हैं। मैं मोहम्मद अमीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कारोबारी दुनिया। बहुत सारे लोग हमें मैसेजेस करते हैं, स्टूडेंट्स करते हैं जी हम पढ़ाई के साथ किस तरह से अपना कारोबार कर सकते हैं, खवातीन जो है वो घर में बैठ के किस तरह से कर सकती हैं, इसी तरह जो जॉब करते हैं वो जॉब वाले लोग जो हैं वो किस तरह से कारोबार कर सकते हैं, तो उनके लिए बहुत सारी वीडियोस हम बनाते हैं। इमाम मस्जिद भी हमें बहुत सारे मैसेजेस करते हैं कि हम किस तरह से अपना कोई छोटा मोटा कारोबार कर सकते हैं, घर के अखराजात जिससे पूरे कर सकें। जनाब आज की वीडियो स्पेशली जो है वो उन इमाम मस्जिद के लिए जो कि जनाब अपना काम करना चाहते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आ रही है। एक इमाम मस्जिद जो है उन्होंने भी इसी तरह अपना छोटा सा सेटअप लगाया, छोटा सा काम उन्होंने शुरू किया। उन्होंने जनाब पेन के ऊपर प्रिंटिंग करनी शुरू कर दी, पेन के ऊपर लोगों के नाम लिख के देने शुरू कर दिए, उनको सर्विसेज देनी शुरू कर दी। अगर किसी की बर्थडे है उसकी बर्थडे का लिख दिया, किसी का नाम लिखना है वो नाम लिखवा लिया उन्होंने। इस तरह कोई फंक्शन है लोगों ने अपने नाम के जो है वो पेन के ऊपर प्रिंटिंग करवानी शुरू कर दी, ये पेन के दोनों साइडों पे प्रिंटिंग करके लोगों को जो है देना शुरू कर दिया इन्होंने। सैफुल्ला सैफी नाम है उनका, इमाम मस्जिद है, उन्होंने जनाब ये पेन के ऊपर प्रिंटिंग करके लोगों को सर्विस देना शुरू कर दी। तो आहिस्ता आहिस्ता मेहनत करते करते अल्लाह पाक ने उनको कामयाबी दी और वो जनाब उसको बहुत अच्छे लेवल पे लेके चले गए हुए हैं। तो जो इमाम मस्जिद कहते हैं कि जी हमें समझ नहीं आ रही है, वो इनसे राबता करके, तो इनसे जनाब सीख के, इनसे जनाब चीज़ें लेके तो अपना ये छोटा सा कारोबार कर सकते हैं। मैं आगे चल के इनका नंबर भी स्क्रीन के ऊपर शेयर कर देता हूँ ताकि आप इनसे राबता करके तो इनसे सीख भी सकते हैं, इनसे जनाब सर्विसेज लेके तो अपना ये कारोबार भी कर सकते हैं। तो ये सैफुल्ला सैफी साहब इमाम मस्जिद हैं, इन्होंने जनाब छोटा सा सेटअप पहले शुरू किया, पेन जो है उनके ऊपर इन्होंने लोगों के नाम लिख के उनको देने शुरू कर दिए, जैसे गिफ्ट पैक होता है इस तरह से गिफ्ट के तौर पे जनाब लोगों ने अपने नाम प्रिंट करवाने शुरू कर दिए और ये सिलसिला जनाब चलता रहा। तो आज माशाल्लाह ये इनका बहुत अच्छा सेटअप है और बहुत अच्छे लेवल पे ये इसको लेके चले गए हुए हैं। अब वो कहते हैं कि जनाब काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो हैं वो भी हमसे प्रिंटिंग करवा रही हैं, वो क्योंकि उन्होंने अपनी पब्लिसिटी के लिए, लोगों को जनाब प्रमोशन के लिए जब भी उनकी प्रोडक्ट जाती है वो प्रोडक्ट के अंदर जनाब वो पेन रखते हैं, वो पेन रख के लोगों को भेजते हैं ताकि उनकी कंपनी का नाम जो है पेन के ऊपर लिखा होता है वो उनके पास जाता है, एक तरह की उनकी प्रमोशन होती है। इस तरह जनाब बहुत सारे और भी मेडिकल स्टोर वाले वो लिखवाते हैं, इसी तरह स्कूल्स वाले हैं वो इनसे अपने नाम लिखवाते हैं, इसी तरह किसी की बर्थडे है वो फंक्शन कोई आ जाते हैं, शादी के कोई फंक्शन आ जाते हैं, इस तरह जनाब कोई भी चीज़ कोई भी फंक्शन आता है लोग इनसे जनाब रब्ता करके पेन के ऊपर अपने फंक्शन के हिसाब से उसके ऊपर प्रिंटिंग करवाते हैं और जनाब इनसे सर्विसेज ले रहे हैं। तो अच्छे लेवल पे जनाब ये अपने कारोबार को लेके गए हुए हैं और जनाब पेन के दोनों साइडों पे ये प्रिंटिंग करके देते हैं। इसी तरह जनाब ये पेन के बॉक्स भी तैयार करते हैं, इसी तरह लकड़ी के बॉक्स भी तैयार करके दे रहे हैं, उनके ऊपर भी जनाब ये उनके नाम लिख के दे रहे हैं। तो जो भी बंदा इनसे वो चीज़ें लिखवाना चाहता है वो उसके ऊपर लिख के दे रहे हैं। कोई ज्वेलरी शॉप वाले हैं वो अपनी शॉप के वाले से जनाब उसके ऊपर लिखवा लेते हैं क्योंकि उन्होंने उसके अंदर फिर लोगों को, कस्टमर जो भी चीज़ें लेते हैं उनसे वो बॉक्स के अंदर डाल के तो वो उनको देते हैं। ये एक तरह की कंपनी की प्रमोशन हो रही होती है। तो ये सारी सर्विसेज जो हैं ये सैफुल्ला सैफी साहब जो हैं इमाम मस्जिद हैं ये जनाब दे रहे हैं। अगर आपकी कोई कंपनी है आप जनाब इनसे सर्विसेज लेना चाहते हैं, अपने नाम के पेन प्रिंट करवाना चाहते हैं वो पेन प्रिंट करवा सकते हैं, एक साइड पे भी आपको प्रिंटिंग करके दे सकते हैं, दोनों साइडों में प्रिंटिंग करके दे सकते हैं, उसमें कलर आप अपनी मर्जी के भी रखवा सकते हैं। इसी तरह कोई स्कूल है आपके बच्चों के लिए आप प्रिंट करवाना चाहते हैं, वो स्कूल का नाम लिखवाना चाहते हैं, वो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। कोई आपका शादी हाल है वहाँ पे फंक्शन होते रहते हैं, आप अपने नाम के प्रिंट करवाना चाहते हैं वो भी इनसे रब्ता कर सकते हैं। इस तरह जनाब बहुत सारी जगहों पे जो एग्जीबिशन हो रहे होते हैं, बहुत सारी जगहों पे जैसे एक्सपो सेंटर है वहाँ पे जनाब लोग अपने स्टॉल लगाते हैं, वहाँ पे जनाब एक्सपो सेंटर में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियाँ भी आती हैं, सारे उनको कस्टमर भी मिलने आते हैं, तो वो वहाँ पे अपनी प्रमोशन के लिए इनसे अपने पेन भी प्रिंट करवा सकते हैं, गिफ्ट बॉक्स भी बनवा सकते हैं, इसी तरह बॉक्स बनवा के उसके अंदर पेन रखवा के तो वो भी जनाब आगे अपनी प्रमोशन के तौर पे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप इनसे ये सर्विसेज लेना चाहते हैं, सैफुल्ला सैफी साहब इनका नाम है, इनका नंबर मैं स्क्रीन के ऊपर दे रहा हूँ, इनसे आप रब्ता करके तो जनाब ये पेन भी इनसे प्रिंट करवा सकते हैं, मुख्तलिफ तरह के बॉक्स जो हैं वो प्रिंट करके दे रहे हैं, बना के दे रहे हैं, आप अपना डिज़ाइन भी इनको दे के इनसे प्रिंट करवा सकते हैं। अगर आप इनसे ये सर्विसेज लेना चाहते हैं तो जनाब ये नंबर है इनका, इनसे आप रब्ता करके तो इनसे जनाब ये ले सकते हैं। तो इसी तरह जो लोग कहते हैं, जो इमाम मस्जिद फर्ज करो कहते हैं कि जी हमें समझ नहीं आ रही हम कौन सा कारोबार करें, आप भी सैफुल्ला सैफी साहब से रब्ता करके तो इनसे जनाब ये काम जो है वो सीख भी सकते हैं, या आप बाहर से ऑर्डर लेके इनसे बनवा के तो आगे अपना प्रॉफिट रख के लोगों को सेल भी कर सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट जो है उनको भी बहुत ज्यादा शौक होता है कि जनाब मेरे नाम का पेन जो है वो प्रिंट होना चाहिए, तो वो भी इनसे रब्ता करके अपने नाम के भी प्रिंट करवा सकते हैं। और स्टूडेंट्स अगर कारोबार करना चाहते हैं
तो वो इनसे जनाब मुख्तलिफ तरह के नाम प्रिंट करवा के आप बाहर से ऑर्डर लेते रहिए, ऑर्डर लेके इनको प्लेस कीजिए, इनसे जनाब वो नाम प्रिंट करवा के तो आप जनाब अपना प्रॉफिट रख के तो आगे सेल करने शुरू कर दीजिए। इसी तरह खवातीन जो हैं वो भी फेसबुक पे पेज बना के, इंस्टाग्राम पे पेज बना के लोगों से ऑर्डर ले सकती हैं। जो भी उनको कस्टम डिज़ाइन का ऑर्डर आता है वो इनको फॉरवर्ड करके सैफुल्ला सैफ साहब को तो इनसे बनवा के तो वो भी जनाब इससे पैसे कमा सकते हैं। इसी तरह जो लोग जॉब कर रहे हैं वो अपनी जॉब के साथ साथ अगर इस काम को पार्ट टाइम करना चाहते हैं तो वो भी जनाब इसको ऑनलाइन करके या अपने ऑफिस के अपने क्लीग से उनसे ऑर्डर लेके इनसे बनवा के तो आप अपना प्रॉफिट रख के तो इनको आगे जनाब सप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से जनाब दोनों मॉडल ही आप कर सकते हैं। अगर आपकी कोई कंपनी है आप इनसे प्रिंट करवाना चाहते हैं तो इनसे रابطہ कर सकते हैं। अगर आप इसका कारोबार करना चाहते हैं तो आप जनाब बाहर से ऑर्डर लेते जाइए, इनसे जनाब कस्टम डिज़ाइन जो है वो बनवाते जाइए। बॉक्स में भी करके देंगे, पेन पे भी प्रिंट करके देंगे। इसी तरह और भी चीज़ें आप इनसे डिस्कस कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं ये कर रहे हैं। तो आप इनसे सर्विसेज भी ले सकते हैं, आप इनसे जनाब कारोबार भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय का अपने कमेंट्स का जरूर इशार कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करके अपने दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर कर दें ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो रोज़ नई से नई वीडियोज़ आपको देखने को मिलती रहेंगी। तो एक नई वीडियो लेके आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।